मैं इनसे आनंदीबेन पटेल से पूछना चाहता हूँ, उस कोख को उन्होंने गाली दी है जिस कोख से मुख्यमंत्री निकले हैं, पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़के हार चुके हैं वो, और उनको भी वो गाली दी है। छात्र नेता किसी शायर की चार पंक्तियां उधार लेकर उस राज्यपाल को बताना चाहता हूँ कि इतनी तकलीफ तो कटाने से ना होगा शायद, जितनी तकलीफ हमें सर को झुका कर होगी और हमारी आंखों की बिनाई जाती है तो जाने दो, बात मगर सूरत से आंख मिलाकर। छात्र नेता कभी इससे डरे नहीं है, हम यही लाठी खाए थे और यहीं से जेल जा चुके हैं, तो ये हमारा इतिहास है और यही दबाना चाहती है आनंदी पटेल, इसीलिए चाहती है कि छात्र नेताओं पे अपराध कही जाती है कि जब सहिया भय कोतवाल तो डर का है बात का, तो सरकार का संरक्षण है पूर्ण रूप से। इन्हें में मुस्कुराने का क्या फायदा, खुद पे बिजली गिराने का क्या फायदा, आओ बैठो करें दो चार बात, घर में घूंघट उठाने का क्या फायदा। किसी भी कमरे में ना कोई पंखा है, ना पीने की व्यवस्था, ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, बच्चे कुलपत से मिलने जाते हैं, कुलपत से मुलाकात नहीं होती। हो सकता है फर्श पे टाइल्स नहीं मिलेगा, यही होम साइंस के छत पे टाइल्स लगा हुआ है, आप ये बताइए 36 लाख का टाइल्स जो है वो छत पे लगा। कहीं वर्ड बोलते हैं, आवाज नीचे करके बात कीजिए, गर्मी शांत कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, गुंडों माफियाओं वाला है कि यहाँ पे अगर गुजर जाएंगे तो इनके आगे 3 स्कार चलता है, प्राक्टर चलता है, मार गार्ड लगा दिए जाएंगे, आप उनके तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े वीआईपी हैं। पैसा मांगे तुम्हारे पिताजी का रिजल्टवा कहाँ बतूर, रिजल्ट पहले दे तो पैसा फेल हो गई लेका, रिजल्टवा नहीं आया भैया। धरना देने जाते हैं, पता चलता है कि साहब लंदन गए हुए हैं, साहब कैलिफोर्निया गए हुए हैं, यहाँ तो खुद नहीं मिलते हैं, उनके लड़के कहाँ हैं वो बात ही छोड़ दीजिए आप। अभी मैं देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का जो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है उसके गेट पे हूँ, और अगर यूनिवर्सिटी के गेट पे हूँ तो छात्रों के ऊपर बातचीत होगी, छात्रों के समस्याओं के ऊपर बातचीत होगी। अभी कुछ दिन पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में है मदन मोहन मालवीय, उस यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने छात्र नेताओं का जबरदस्त अपमान किया है, और वो इसलिए किया है कि अब राजनीति को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, अब कोई गरीब का बेटा जो है छात्र राजनीति करते हुए सांसद विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ना बने इसका व्यवस्था किया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि छात्र नेताओं के पीछे अपना भविष्य बर्बाद युवा ना करे। अब छात्र नेताओं के पीछे भविष्य क्यों ना बर्बाद करे, क्योंकि 3,000 रुपया का फीस जो है 30,000 करना है, और जब छात्र नेता रहेंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे साथ एक छात्र नेता हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पे खड़े हैं, उल्टा सीधा बोलिएगा बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा आपके घर पे, कैसा महसूस कीजिएगा उस समय? देखिए इससे कोई और डरता होगा, छात्र नेता कभी इससे डरे नहीं है, हम यहीं लाठी खाए थे और यहीं से जेल जा चुके हैं, तो ये हमारा इतिहास है और यही दबाना चाहती हैं आनंदी पटेल, इसीलिए चाहती हैं कि छात्र नेताओं पे प्रहार हो और जो 3,000 का फीस है उसको 30,000 कर दिया जाए और कोई उनको बोलने वाला ना हो। और गुजरात से एक व्यापारी का लड़का जैसे BCCI अध्यक्ष बने, उसी तरीके से यहाँ भी व्यापारी का लड़का पैसा दे करके पद पा जाए, पर यहां से जो गरीब का लड़का हो जो कुशीनगर से देवरिया से चल करके आता हो पढ़ाई करने, वो पढ़ ना पाए, वो वहीं रह जाए और इनके व्यापारी मित्र जो हैं वो पैसा दे दे करके पद लें, वे वही चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। छात्र नेताओं का हमेशा से इतिहास है, मैं इनसे आनंदीबेन पटेल से पूछना चाहता हूं, उस कोख को उन्होंने गाली दी है जिस कोख से मुख्यमंत्री निकले हैं, पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़के हार चुके हैं वो, और उनको भी वो गाली दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री होते हुए वो कितने लोगों का करियर बर्बाद किए हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति किए हैं, उन्होंने कितने लोगों का करियर बर्बाद किया है। दयाशंकर सिंह है, परिवहन मंत्री हैं, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति किए हैं, इससे पहले केशव मौर्य थे वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति किए हैं, आखिर वो उन लोगों ने कितने लोगों का करियर बर्बाद किया है यह आनंदीबेन पटेल को बताना चाहिए। अच्छा हॉस्टल का फीस कितना बढ़ गया है? हॉस्टल पहले जो है 3,500 रुपया लगता था, अब लगभग 30,000 रुपया हो गया है। बीच में हम लोगों ने आंदोलन किया तो इन्होंने ये कहा कि पहले 20,000 दीजिए फिर बाद में 10,000 दीजिएगा, अब पूरा 30,000 एक ही बार मांग रहे हैं। छात्र जो है, जो गरीब छात्र जो है जिसके पिताजी की एनुअल आय जो है वो 40,000 रुपया है, वो कहाँ से 30,000 रुपया ले आकर के देगा और पढ़ाई करेगा? वो कहता है कि मैं यहीं सिलेंडर लगा लूँगा, घर से राशन ले करके आऊँगा, अपना अनाज यहीं पर मैं उगा करके ले आऊँगा और यहीं बनाऊँगा भोजन और खाऊँगा, पर इस तरीके के व्यवस्था को ये लोग जो है चैलेंज करते हैं और चाहते हैं कि नहीं आप मेरा ही खाइए और उसमें भले 6 महीना कोरोना की छुट्टी हो जाएगी। अब बेरोजगारी पे क्या कहना चाहते हैं आप लोग?
बेरोजगारी सर तो बहुत ज़्यादा है सर, नौकरी मिल नहीं रही है। एक तो विश्वविद्यालय के समस्या सर, यहाँ का सर रिजल्ट जल्दी घोषित नहीं होता। हम एमए फोर्थ सेमेस्टर के एमए एमएमफेंट के फोर्थ सेमेस्टर का सर रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा है सर। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर बीत गया, बीएड में कोई कैसे एग्जाम। रिजल्ट का समस्या है क्या? देखिए विश्वविद्यालय समस्याओं से घिरा पड़ा है। जैसे आपको पता होगा कि ये पूर्णिया विश्वविद्यालय से आए हैं कुलपति जी, तो इनको समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने वीआईपी कल्चर को जीना चाहते हैं। ये पीछे गेट है, इस गेट पे जब ये आए तत्कालिक रूप से लिखवाए वीवीआईपी गेट। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे परीक्षा परिणाम आ रहे हैं तो किन छात्रों के परीक्षा परिणाम में W2 विद है LIC और उनका परीक्षा परिणाम नंबर नहीं शो कर रहा है। हॉस्टल की समस्या है, विश्वविद्यालय के किसी भी कमरे में ना कोई पंखा है, ना पीने की व्यवस्था है, ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है। बच्चे कुलपति से मिलने जाते हैं, कुलपति से मुलाकात नहीं होती है। कुलपति से मुलाकात नहीं होता है क्या? कुलपति से कहाँ आप मिल पाएंगे? वीवीआईपी व्यवस्था में आप कुलपति से मिल पाएंगे? अरे उनको देख लीजिए, वो बड़ी बात है। हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग अपने आप को एकदम कैंपस में दिखना मुश्किल है उनका, काफी आवाज उठाया जाता है। बार लोग आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। तब कार्रवाई नहीं सिर्फ हो जाएगा, कार्रवाई निलंबित हो जाएंगे और बुलडोजर, ये सरकार जो है बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर बाबा की। तुरंत आपके यहाँ बुलडोजर चल जाएगा, NSA की कार्रवाई हो जाएगी और आपको एकदम जैसे ट्रीट किया जाएगा जैसे आप आतंकवादी हैं। तो छात्रों की आवाज़ उठाएंगे आप, बेरोजगारों की आवाज़ उठाएंगे, विश्वविद्यालय में धांधली होगी, पैसे का गबन होगा, उसकी आवाज़ उठाएंगे तो आपके खिलाफ ये सारी कार्रवाई। क्या गबन हुआ है विश्वविद्यालय में पैसे का? जब से ये कुलपति आए हैं तब से हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो पैसे हमारे संजो के रखे गए थे, जो FD थी उसको तोड़ने की जरूरत पड़ी है। तो आदमी घर का गहना कब बेचता है? जब उसके घर में आपत्ति आ जाती है, बहुत परेशानियां आ जाती हैं। हमारे विश्वविद्यालय में ऐसी। अच्छा, विश्वविद्यालय में कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? विश्वविद्यालय में कैंपस सिलेक्शन के नाम पे सिर्फ दिखावा है, सिर्फ अखबारों में वो दिखाई जाती है। अच्छा, होता है कि नहीं कैंपस सिलेक्शन? MBA और BBA का जो है उसमें भी बहुत ना बराबर होता है। यहाँ आकर के खाना पूर्ति की जाती है, बाद में कोई यहाँ से कंपनी लेके जाती नहीं है, लोकल कंपनी है, वहीं जाकर के लड़के जो है अपना करवाते हो। कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। होता है कि नहीं कैंपस सिलेक्शन? नहीं 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 नहीं, किसी का नहीं होता है। नहीं होता। कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं? नहीं होता। नहीं होता। आप लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते? करते हैं सर। कैंपस ईमानदारी से करते हैं कि नहीं करते हैं सर? लेकिन कैंपस सिलेक्शन बिल्कुल कम होता है यहाँ पे, एकदम कम होता है। कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं होता? नहीं सर। कुछ लोग बोल रहे हैं कम होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ना के बराबर होता है। और अभी मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पे हूँ। जरा सोचिए, अगर यहाँ के विश्वविद्यालय में अगर इस प्रकार की अनियमितता है तो पूरे उत्तर प्रदेश के और विश्वविद्यालय में किस प्रकार की अनियमितता और धांधली और भ्रष्टाचार होता होगा। BC से आप लोगों को क्या समस्या है? BC देखिए, जब से आए हैं, इससे पहले पूर्णिया विश्वविद्यालय से आए हैं, उनके पे आर्थिक भ्रष्टाचार का वहाँ पे भी आरोप लगा है और यहाँ पे भी आरोप लगता आ रहा है। पर इनको इतना अधिक संरक्षण प्राप्त है कि हम तो छोड़ दीजिए, अगर यहाँ का कोई अधिकारी हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, तो भी जाकर के वहाँ उनसे मिलना मुश्किल है। एक बार हम लोग धरना उनके आवास पे दे दिए थे, रात में 3 बजे तक यहाँ के सरकार अधिकारी मनोवल करते रह गए कि साहब हमसे मिल लीजिए, एक बार मिल लीजिए। साहब मिलने को तैयार नहीं हुए। रात में जाकर के 2 बजे हम लोग ठंडी में दिसंबर के महीने में वहां नंगे बैठे हुए थे, अंडरवियर पे कोई बैठा हुआ था और वो मिलने को तैयार नहीं हुए। ऐसे हैं कि यहां पे अगर गुजर जाएंगे तो इनके आगे 3 स्कॉर्ट चलता है, प्रैक्टर चलता है, मार गार्ड लगा दिए जाएंगे, आप उनके तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े VIP हैं। अच्छा, BC गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हैं और उनके बच्चे सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि विदेशों में पढ़ते हैं? उनके बच्चे वो खुद विदेशों में, बिल्कुल वो खुद चले जाते हैं। एक बात कही गई है, हम लोग जितनी बार धरना देने जाते हैं पता चलता है कि साहब लंदन गए हुए हैं, साहब कैलिफोर्निया गए हुए हैं, यहाँ तो खुद नहीं मिलते हैं, उनके लड़के कहाँ हैं, वो बात ही छोड़ दीजिए आप। एक बात कही जाती है कि जब सैयाब है कोतवाल तो डर का है बात का, तो सरकार का संरक्षण है पूर्ण रूप से, पूरा प्रशासन इनके साथ है, इनको डर किसी चीज़ का है नहीं। गरीबों का बेटा जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, नेताओं का बच्चा बेटा जो है, परिवार वाले जो है, और इस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर VC प्रोक्टर रजिस्ट्रार के बच्चे जो है ना, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। तो एक सरकार नियम लगाए कि सरकारी तंत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, उन सभी के परिवार वालों के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे और उनके परिवार वालों का इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल में होगा।
तब जाके बिहार का सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल जो है सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अभी आपने हॉस्पिटल की बात की है, गोरखपुर विश्वविद्यालय का हॉस्पिटल है यहीं पे, जा करके देखिए। अभी यहाँ कोई लड़का मरने के कगार पे भी आ जाएगा, एम्बुलेंस बाहर से मंगाना पड़ेगा। इस हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप मर भी जाएंगे, डॉक्टर पूछेंगे नहीं, अपने गाड़ी से लेके जाएंगे, गाड़ी घुसने नहीं देंगे। इस तरीके का कार्य यहाँ किया जाता है। 2016 के बाद से अभी तक यहाँ छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। 2016 में हुआ था, वो सपा की सरकार थी, ये आए 17 में चुनाव नहीं हुआ, 18 में यहीं पे लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों पर यहीं लाठीचार्ज हुआ। और उसके बाद से अपरिहार्य कारणों से 5 दिनों तक विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया, और उसके बाद से आज तक चुनाव जो है बंद है। इनके मंत्री कहते हैं विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं चुनाव कराने के लिए, ये चुनाव नहीं करवाते हैं। हम तो बस इनसे यही अपील करते हैं कि आईने में मुस्कुराने का क्या फायदा, खुद पे बिजली गिराने का क्या फायदा, आओ बैठो करें दो चार बात, घर में घूंघट उठाने का क्या फायदा, घर में घूंघट उठाने का क्या फायदा। ये घर में बैठ के घूंघट उठाते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं और वहीं सब निर्णय लेते हैं, छात्रों से किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती है। लॉ का अभी एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर वाला, और सर तीन तीन चार चार बार एक एक बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, कभी किसी बच्चे का नंबर बढ़ जा रहा है, कभी किसी बच्चे का नंबर घट जा रहा है, लोग पास हो रहे हैं फिर फेल हो जा रहे हैं फिर पास हो जा रहे हैं। हाल पूछा जाता है तो छात्रों के पास नोटिस आ जाता है और कहते हैं कि आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए, आप ये बताइए। हम सवाल भी ना पूछे, हमारा रिजल्ट भी ना आया, मैं 5वें सेमेस्टर में। आज़ाद भारत के ये सभी आज़ाद छात्र हैं जो आज़ादी के साथ अपना हक भी नहीं मांग सकते हैं, ये है सच्चाई। और जिस प्रकार से हर 5 साल पे जो है विधायक और सांसद का चुनाव होता है, वैसे ही यूनिवर्सिटी में हर साल चुनाव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब छात्र संघ का चुनाव होगा, जो छात्र नेता बनेंगे वो यूनिवर्सिटी के छात्रों के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, और तब जाके जो है यूनिवर्सिटी का विकास होगा और यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार खत्म होगा। वीसी की दलाली नहीं खत्म हो जाएगी अगर जब छात्र नेता सवाल पूछने लगेंगे तो? वीसी कमीशन कैसे खाएंगे विभागाध्यक्ष? वीसी कमीशन खाते हैं, पूरा कमीशन है। देखिए आपको जो है, आपको हो सकता है फर्श पे टाइल्स नहीं मिलेगा, यही होम साइंस के छत पे टाइल्स लगा हुआ है। आप ये बताइए 36 लाख का टाइल्स जो है वो छत पे लगा दिया गया कि पानी ना चुभे। और इसी विश्वविद्यालय में एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया, सब लीपापोती कर दिए, और कोई आवाज उठाएगा तो अलग CRPC का एक नोटिस हम लोग के खिलाफ आ जाता है, घर पे पहुंच जाता है। और छात्र नेता किसी शायर की 4 पंक्तियां उधार लेकर उस राज्यपाल को बताना चाहता हूं कि इतनी तकलीफ तो कटाने से ना होगा शायद, जितनी तकलीफ हमें सर को झुका कर होगी, और हमारी आंखों की बिना जाती है तो जाने दो बात, मगर सूरज से आंख मिला करो। ये जो झंडा आप देख रहे हैं तिरंगा, ये तिरंगा फटा हुआ था और फटा झंडा लहरा रहा था, और मैं कुलपति के खिलाफ लेकर के गया ज्ञापन देने के लिए, वहीं से SSP के आवास से ही उठा करके मुझे जेल भेज दिया गया। महीनों मुझे जेल काटना पड़ा और मेरे साथ 5 लोग और झूठे जेल गए। एक यादव लड़का था बेचारा, वो बिंद्रावाल बिहार पे था, वो कहा अनिल भैया आए चलो फोटो खिंचा लेते हैं, वो फोटो खिंचाने हमारे साथ आया, 5 दिन जेल काटा। हम भी जा रहे हैं आपके साथ, अब खड़ा नहीं होंगे, क्या पता कि आपके साथ साथ हमको भी उठा के और जेल में डाल दिया जाए, और कल जो है चंपारण में जो हमारा घर है वहाँ बुलडोजर पहुँच जाए, तोड़ दिया जाए। बीटेक पिछले साल खुला है और यहाँ पे गवर्नमेंट होने के बावजूद 1 लाख फीस है, उसके बावजूद जब हम लोग फीस स्ट्रक्चर सब कुछ देखे फैसिलिटीज में, अरे तुम 1 लाख फीस दोगे गवर्नमेंट में तब ना प्राइवेट में 4 लाख फीस रहेगा, काहे नहीं समझते हो बात? और सुनो एगो बात सुन लो, तुम लोग भाषण से काम चलाओ, और पैसा जो है ना सरकार का खजाना जो है ना वो सब अमीरों के लिए खुलेगा। वो तो बात सही है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे सर कुछ नहीं दिए। फैसिलिटी में बोल रहे थे कि लाइब्रेरी आप लोग के लिए अलग से होगा, प्लस और भी फैसिलिटी के नाम पे बुलडोजर मिला है ना तुमको, काम चलाओ उससे, ज्यादा बोलोगे तो उसी बुलडोजर के नीचे दाब दिए जाओगे। यस सर, और भी बच्चे हैं जिसके थ्रू बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो दिन जाने पे वहाँ पे भगा देते हैं हम लोग को बहुत बुरी तरीके से। तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा, अब तुम्हारा प्रैक्टिकल का मार्क्स कम दिया जाएगा, तुमने अब बोल दिए। चूंकि हम भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं, सिविल इंजीनियरिंग के, और हम जब जब आवाज़ उठाते थे तब तब प्रैक्टिकल में हमारा नंबर काट दिया जाता था। यूनिवर्सिटी का फार्म भरा, लैपटॉप का फार्म भरा, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी में नहीं लैपटॉप आए, लेकिन सभी जगह महाविद्यालय मिला था। चुनौवा पहला लैपटॉप मिल रहा था, बाद नहीं दिए, धोखा कर दिए। जुमला जुमला का लैपटॉप कहे देंगे, फार्म भरवा लिए और नहीं दिए, ही क्या होता है? अभी विद्यालयों में बटा है सर फार्म। अब बताए वोट वोट के समय कहे थे बेचारे, वोट ले लिए, अब वो दे भी दे, छात्रों वादा किए थे छात्रों को डाटा देंगे, और घूम घूम कर लगे आटा बांटने और उसी पे वोट लेने लगे, तो कहां से डाटा देंगे? धर्म में से बांट रहे हैं, केवल भारत में
का विभाजन करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम, कोई शिक्षा की बात नहीं हो रही है, कोई विकास की बात नहीं हो रही है, केवल छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम यहाँ राम मंदिर बन जाएगी 500,000 करोड़ लगा के, लेकिन विश्वविद्यालय में यहाँ पर ना शौचालय की व्यवस्था। राम मंदिर से आपको क्या तकलीफ है? राम अगर हमारे आस्था का प्रतीक है तो हमारा शिक्षा का केंद्र है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, कल्चर है, जो व्यक्ति शिक्षा से। योगी जी का एक डायलॉग है, जो जब भी वो कहीं जाते हैं तो वो कहते हैं आवाज़ नीचे करके बात कीजिए, कांवरियों पर पुष्प बरसाइए और नौकरी मांगने जाइए तो लट खाइए, यही उनका कारण है। भैया उनके युग में मैं बता रहा हूँ, मैं ना देखिए, मैं ना अखिलेश सिंह यादव को मानता हूँ, ना मैं भाजपा को मानता हूँ, ना मैं कांग्रेस को मानता हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात उनका, सबसे बड़ी बात भैया, आज तक युवाओं का 1% जो होता है, 1% कभी मैं उनके मुँह से नौकरी की बात मैं नहीं सुना हूँ, बस वो एक ही वर्ड बोलते हैं, आवाज़ नीचे करके बात कीजिए, गर्मी सांग कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, गुंडो माफियाओं वाला। भैया हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया भैया, थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन हो गया, घर से पैसा मांगे तो हमारे पिताजी कहे रिजल्टवा कहाँ बा तोर, रिजल्ट पहले दे तो पैसा फेल हो गए, लेका रिजल्टवा नहीं आया भैया, और बताइए हम लोग क्या करें। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा, छात्र हित में हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और छात्रों के साथ जो समस्या हो रहा है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाए। जय हिंद। Yeah, yeah, yeah.